पर। मुजफ्फर खान जी, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर आपका। नमस्कार सर, तीसरे चरण का चुनाव जारी है, कैसा लग रहा है कि तीसरे चरण में अब क्या कुछ रंगत बदलेगी? देखिए, पहले दो चरण में समाजवादी पार्टी का शतक बना चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, और जहां तक अब तीसरे चरण का चुनाव है, वो तो आप और भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो हमें ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। नफरती लोग जो है वो जाने वाले हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार ही उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने का काम करती रहती है, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश में लगी रहती है, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकास के सवालों से बचने के लिए मजदूरों, गरीबों और नौजवानों को धर्म के नाम पर भड़काने उकसाने का काम करने का काम ही करती है। पर अगर इन्होंने जमीन पर कुछ काम किए होते तो आज जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को, विधायकों को गांवों से भगाया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, ऐसी स्थिति हमने कभी भारतीय राजनीति में नहीं देखी, और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि किसान विरोधी, महिला विरोधी, बेरोजगार विरोधी, नफरती, झूठे, जुमलेबाज, बैरूपियों, सिंहासन खाली करो, अखिलेश जी आ रहे हैं और जुमलेबाज जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गांधी एक और जुमला इस बार चुनावी रण में सुनाई दिया है, गर्मी शांत कर दी जाएगी, ठंडी लहर आएगी, इस तरह का, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि शतक जड़ दिया है और एक और शतक इस बार जो जड़ने वाली है समाजवादी पार्टी, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो कुछ और ही कहा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाप निकाल दी है, धुआं निकाल दिया है उत्तर प्रदेश की बेरोजगार जनता ने। ये चुनाव समाजवादी और बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, उस भारतीय जनता पार्टी, वो तानाशाही पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है। और इसमें हमेशा आपने देखा होगा कि जनता चुनाव जीतती है, तानाशाह कभी चुनाव नहीं जीतते, जो कुर्सी पे बिठालते हैं वही कुर्सी से आपको एक दिन हटा देते हैं। तो आप, हम तो इतना सा जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में खाना है अखिलेश जी को इस बार लाना है, जो कभी झूठ नहीं बोलते, सत्य के लिए हमेशा लड़ने का काम करते हैं, सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, अखिलेश यादव जी के करिश्माई चेहरे से है उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी आस, उनकी मुस्कान में नौजवानों को अपना भविष्य नजर आता है, जो उनके उनसे एक बार मिल लेता है मैडम, उन्हीं का हो जाता है। नेता ऐसा होना चाहिए जिसने एक नतीजा दिया हो उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नई बुलंदियों पे ले जाने की कोशिश की थी समाजवादियों ने, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 के चुनाव में नफरती भाषण दे करके भाई को भाई से लड़ाया। जिन बुलंदियों की आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, सपा अपने कार्यकाल में क्यों साबित नहीं कर पाई? जिन बुलंदियों की आप बात कर रहे हैं, जो तमाम वादे अब किए जा रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी के हाथ में सत्ता थी तो उस वक्त वो वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब बात कही है। देखिए, हम लोग अपने कामों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि आपको याद होगा इन्होंने नोटबंदी कर दी थी, बहुत सारे संसाधन ऐसे होते हैं जो हम लोग नहीं कर पाए, इन्होंने तो देश की कमर तोड़ने का काम किया नोटबंदी करके, और आज तक ये नहीं बताया कि नोटबंदी से लाभ क्या हुआ। दूसरी बात मैडम, जिस तरह से बीजेपी ने लोगों को गुमराह किया, उनको शमशान, कब्रिस्तान और बिजली पानी में बांटने का काम किया, हम लोगों को समझाने में नाकाम रहे, ये बहकाने में ना कामयाब हुए। इसीलिए आप आज के चुनाव में हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, जनता बीजेपी को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है। जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर बैठ करके बोलते रहे हैं, पूरा देश जानता है, तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, इस तरह की सरकार नहीं चाहिए जो महंगाई को ना रोक सके, जो बेरोजगारी के लिए, आप बताइए 11 लाख पद खाली पड़े, आपने क्यों नहीं उनको नौकरी दी? आज जनता सवाल कर रही है, कल गोंडा के अंदर राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री भाषण दे रहे थे, वहां किस तरह से नौजवानों ने विरोध किया, बताइए, आपने पहले ऐसा कभी देखा है? तो जनता पूरी तरह से गुस्से में है,
इसलिए जो जनता जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनका धुआं निकल जाएगा। मुजफ्फर खान जी, जैसे कि बेरोजगारी की बात आपने कही यहाँ पर, क्या आपको नहीं लगता कि कोरोना काल की वजह से भी बेरोजगारी पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है? और बीजेपी अब अपने मैनिफेस्टो में रोजगार के लिए भी अवसर लेकर आई है और कहा जा रहा है कि करीब 60 लाख लोगों को जो है रोजगार दिया जाएगा इस बार। मैडम देखिए, अभी आपको याद होगा कि जो रेलवे में भर्ती की बात थी वो तो कोरोना काल से भी एक बरस पहले की बात थी। तो आप जो है ना, इनकी असल में नीयत ठीक नहीं है। जो बेरोजगार नौजवान है, जो पढ़ा लिखा छात्र है, किस तरह से आंदोलन किया, किस तरह से इन्होंने उन पर लाठियां चलाई, तमाम सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ, रेलगाड़ी को जला दिया गया। ये सरकार अंधी गूरी गूंगी और बहरी सरकार है। ये जनता से जो है इनको मालूम है अंत में हम लोगों को धर्म पे ला करके वोट हासिल कर लेंगे, लेकिन अभी धर्म का जो चक्कर था वो टूट गया है। जनता धर्म के झांसे में आने वाली, उत्तर प्रदेश की जनता पहला ये चुनाव है जिसमें ये हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए, और इसलिए हमारा ये मानना है कि जनता जीतेगी और जो घमंड है और अहंकार है वो हारेगा। ये जिना जिना कर रहे थे कि जिना हारेगा और गन्ना जीतेगा। तो मैडम अभी हालात बदलने जा रहे हैं। हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि यदि इन लोगों ने समय से सीख ली होती तो आज ये इस तरह से जो इतने बड़े बड़े बीजेपी के लीडर हैं, बताइए गली गली धूल फांकते फिर रहे हैं। तो ये सब नहीं करना पड़ता। आपने समाजवादी सरकार के कामों का फीता काटने का काम किया 5 साल। उत्तर प्रदेश की किसी सड़क पे आप चले जाइए, सड़कें कम और गड्ढे ज्यादा मिलेंगे। ये दम भरते थे कि हम 15 दिन में उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे। चुनावी मैनिफेस्टो इन लोगों ने उठाकर नहीं देखा। अब आज ये बेचैन है, परेशान है, इनको नींद नहीं आ रही है। अभी करैल के अंदर मैडम भागपुर गांव के लोगों को वोट डालने से रोक दिया इन्होंने, और बहाना लगा रहे हैं कि साहब इनकी आईडी में, वोटर आईडी में थोड़ा चेंज है। आप बताइए ये कितनी गंभीर बात है। चुनाव आयोग के लिए चैलेंज है। अखिलेश जी वहां चुनाव जीत रहे हैं, जनता मुख्यमंत्री को चुन रही है और आप उसे रोकने का काम कर रहे हो। तो ये बेहद अफसोस की बात है। चुनाव आयोग को फौरन इस पर सख्ती से काम करना चाहिए और जो अधिकारी हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए जो जनता को वोट डालने से रोक रही है। देखिए, जिसके पास आईडी नहीं है उसको रोकना एक वाजिब बात होती है, लेकिन वोटर आई कार्ड लेकर के लोग आ रहे हैं और आप उन्हें 245 और 244 नंबर बूथ पर आपने वोट नहीं डालने दिया गांव वालों को। तो ये चुनाव आयोग का खैर डिपार्टमेंट है और लगातार अधिकारी पहुंच भी रहे हैं और देखेंगे, हम भी नजर बनाए रखेंगे इस खबर पर। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वोट डालने से रोक दिया गया, क्या मुजफ्फर खान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि उम्मीदवारों की तरफ से अब जो है जो भी किया जाना था, प्रचार थम चुका है और अब जो जनता है वो निर्णय लेगी, वो फैसला करेगी कि आखिर अब किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को वोट डालना है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। लगातार सुबह से ही वोटिंग की जा रही है, पोलिंग बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार है लोगों की।